अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दिए अपने संबोधन में कहा कि थक कर रुक जाना कोई विकल्प नहीं होता, विजय के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है, निरंतर चलना जरूरी है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि देश जब कोरोना वायरस महामारी के संकट का सामना कर रहा है, ऐसे में महात्मा बुद्ध के जो विचार हैं वो और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने संक्रमण के इस काल में सेवा का मंत्र दिया और कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही इस महामारी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में और क्या बड़ी बातें कही वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि देश में जो कोरोना के मामले हैं बढ़कर, संक्रमण के मामले बढ़कर 53,000 के पास पहुंच गए हैं, 1,800 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अगर देखें तो 15,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर जा चुके हैं। और सरकार जो है वो चिंतित है, खासतौर पर गुजरात और महाराष्ट्र के मामलों को लेकर, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से संक्रमण के मामले अचानक से बढ़े हैं उससे केंद्र सरकार बहुत चिंता में पड़ गई है। हम आपको बता दें कि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य भी है और इसमें सरकार विचार कर रही है कि एक वरिष्ठ डॉक्टरों का दल गुजरात भेजा जाए, खासतौर पर अहमदाबाद में देखने के लिए कि कहां पर क्या गलतियां रह गई हैं, क्या कमियां हैं, क्या सुधार किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस दल में एम्स के डायरेक्टर भी हो सकते हैं, मुंबई से कुछ वरिष्ठ डॉक्टर रहेंगे, देश के कुछ अन्य भागों से वरिष्ठ डॉक्टर इसमें रह सकते हैं। हालांकि कब ये डॉक्टरों का दल जाएगा इस बारे में अभी कोई तय समय सीमा नहीं बताई गई, तय समय नहीं बताया गया है। और माना जा रहा है कि अहमदाबाद में जो हालात हैं वो बहुत गंभीर हैं, इसी को देखते हुए वहां प्रशासन ने सभी तरह की जो दुकानें हैं उन सबको बंद करा दिया है और अहमदाबाद के लिए बोला गया है कि खाली जो दूध सब्जी की दुकानें हैं बस वो खुली रहेंगी, मेडिकल शॉप्स खुली रहेंगी, बाकी सब बंद है अहमदाबाद में। राजस्थान ने भी अपने जो बॉर्डर हैं वो सील कर दिए हैं, यूपी से जो कोई आ रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किलात हैं, अगर आपके पास मान्य पास नहीं है तो एंट्री करना मुश्किल है। बहुत जो सभी राज्य हैं समय अपनी सीमाएं सील करते दिख रहे हैं क्योंकि संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। उधर दिल्ली से आज पहली ट्रेन प्रवासी श्रमिकों को लेकर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि इसमें 1200 प्रवासी श्रमिक हैं, ऐसी और ट्रेनें भी चलेंगी जो दिल्ली में फंसे हुए और अन्य भागों के श्रमिक हैं, देश के अन्य भागों के श्रमिक हैं, उनको घर पहुंचाया जाएगा। इस बीच अगर हम बात करें जो आज प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया उसकी, तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वैशाख वैश्विक समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत निस्वार्थ भाव से बिना कोई भेदभाव किए देश और पूरे विश्व में संकट से घिरे लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है, जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है, कई बार दुख निराशा हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है, तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध का कहना था कि मानव को निरंतर यह प्रयास करना चाहिए कि वह कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना कोई विकल्प नहीं होता। मोदी ने कहा कि बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता और विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। साथियों, ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है, कई बार दुख निराशा हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है, तब भगवान बुद्ध की सीख
और भी प्रासंगिक हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साथियों, भगवान बुद्ध का एक एक वचन, एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी। साथियों, हमारी सफलता के पैमाने और लक्ष्य दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, साथ ही अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है। भारत की प्रगति विश्व की प्रगति में हमेशा सहायक रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय बदला, स्थिति बदली, समाज की व्यवस्थाएं बदली, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश जीवन में निरंतर विद्यमान रहा है। इस बीच महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ जिलों में कोविड 19 के मरीजों में अधिक मृत्यु दर पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों से कहा है कि वे प्रारंभिक निगरानी, संपर्कों का तेजी से पता लगाने और शुरू में ही रोग निदान जैसे कदमों पर ध्यान केंद्रित करें ताकि इन क्षेत्रों में मौत के मामलों में कमी आ सके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नितिन भाई पटेल तथा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में हर्षवर्धन ने अत्यंत गंभीर श्वसन संक्रमण और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के मामलों की स्क्रीनिंग और जांच जैसे उचित कदमों की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि इससे संक्रमण को अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोका जा सकता है। उधर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक 6 मई रात 9 बजे तक 12,76,781 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच माना जा रहा है कि संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए मंत्रालय ने रेलवे के कोचों को कोविड देखभाल केंद्र बनाने का निर्णय किया है। उधर कोरोना संक्रमण को रोकने और इस जंग में अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी लोक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश में कड़े प्रावधान किए हैं। इस अध्यादेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की जानबूझकर संक्रमित करता है और उसकी मौत हो जाती है तो उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी मिली। अध्यादेश में व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को संक्रामक रोग से जानबूझकर उत्पीड़ित करता है तो उसे 2 से 5 साल तक की जेल और 50,000 से 2,00,000 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। अगर जानबूझकर कोई 5 या अधिक व्यक्तियों को संक्रमित कर उत्पीड़ित करता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही 1,00,000 से 5,00,000 रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर इस उत्पीड़न की वजह से मौत हुई तो कम से कम 7 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकता है। वहीं 3,00,000 से 5,00,000 रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से ही उसकी वसूली की जाएगी और यदि आरोपी की मौत हो जाती है तो भरपाई उसके घरवाले करेंगे। इस बीच भारत आज से वंदे भारत मिशन अभियान भी शुरू कर रहा है, जिसके तहत
विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। उनके स्वदेश वापसी पर एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, इसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। सरकार बताया जा रहा है कि पहले चरण में, इस अभियान के पहले चरण में जो कि सप्ताह तक चलेगा, इस अभियान के अंदर 90,000 भारतीयों को वापस लाने जा रही है। ऐसे ही नौसेना जो है वो भी जो अभियान चला रही है उसमें मालदीव और यूएई में फंसे हैं जो भारतीय, उनको स्वदेश वापस लाया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहे प्रभा साक्षी।